है आमिर भाई? अरे अकेला रहता हूँ, अकेला कभी कभी आता है 15 दिन में भी, अकेला यार आना पड़ेगा, जिएगा कुछ पता ही नहीं है कभी। हाँ हाँ, कभी यहाँ भाई पूछते नहीं है, बहुत मतलबी लोग आते हैं भाई। जो नए लोग आने वाले हैं उनके उनके लिए क्या जवाब दोगे, क्या बताना चाहते हैं? हम यही कहेंगे भैया, पहले पूरे अच्छे से जानकारी करके तब आओ यहाँ सऊदी के अंदर। ये देखिए पूरा वीडियो शुरू से देखिए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ अंदर वीडियो में, सब कुछ बताया हूँ क्या क्या करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई लोग। और हमारे अमीन भाई देख रहे हो, हम इनके साथ में हैं और आज वीडियो बना रहे हैं भाई इनका। हम बकरियां खरीद रहे हैं, क्योंकि हम बकरियां खरीदते बेचते हैं, तो मेरा काम यही है। हम इनका बकरियां अगले महीने घर जाने वाले हमारे अमीन भाई, और वीडियो में बताए भी हैं। अब आप लोग वीडियो देखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। और जिसको भी आना है सऊदी अरब, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उनको वीज़ा ज़रूर देंगे और बुलाएंगे। बहुत दिनों बाद और वीडियो बना रहा हूँ दिखाने के लिए, इस तरह का काम जो सऊदी अरब में इस तरह होता है। ये देख रहे हो घास, ये पूरा घास है, यहाँ सऊदियों का बैठने वाला है। एक दो कमरा बनवाते हैं, लेकिन अच्छे से बनवाते हैं, ठीक। देख रहे हो कितना है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। हमारे अमीन भाई हैं, अमीन भाई, तो उनसे मिलवाते हैं, उनका इस तरह है। देख रहे, 4 साल काट चुके हैं, अब जा रहे हैं घर। ये मोटर चालू किए हैं, और यहाँ का मोटर भाई पेट्रोल से चलता है। देख रहे हो, और ये मोटर पानी डाल रहे हैं। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ इस तरह का काम कैसा होता है। हम अमीन भाई बाहर में सोते हैं रात में, इस तरह का काम ऐसे होता है भाई। जो इस तरह का काम बोल के भाई बुलाते हैं, लेकिन बकरी मुर्गी सब रहती हैं, ठीक ना। तो देख रहा हूँ, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखो मुर्गियाँ। और हमारे अमीन भाई देखो वहाँ मोबाइल में बात कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं घास में, ठीक। ये मुर्गियाँ देखो, देखो कितना खूबसूरत है यार। ये ऐसे बनवा बनवा के लोग भाई सभी लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना। घर तो पीआईपी बनवाते हैं भाई, जैसे अपने यहाँ फार्म हाउस बोलते हैं ना, ऐसे फार्म हाउस है। इन लोग का घर सिटी में रहता है, और तो यहाँ छुट्टियों के दिन छुट्टियाँ मनाने आते हैं, जैसे जुमा को और जुमेरात को। तो हमारे अमीन भाई पैसे भेज दिया ना? हाँ, मेरे में भी आ गया फोटो, इनको दिखाता हूँ। अमीन भाई हमारे इस तरह का काम भी करते हैं, लेकिन बकरियाँ ज़रूर होती हैं भाई, आप लोग को दिखा रहा हूँ। देख रहा, ये देखो ऐसे ग्राउंड में रखा है थोड़ा, और ऐसे शौक से रखते हैं, क्योंकि बुलाते हैं भाई तो सोचते हैं बैठा के पगार क्यों दूँ, तो इसीलिए बैठा के पगार नहीं देना चाहते भाई, कुछ ना कुछ काम ज़रूर रहेगा। अब यहाँ देख रहे हो पानी मार रहे हैं पूरा पेड़ों में, ऐसे घास भूस लगा रखे हैं। देख रहे हो पेड़ यहाँ शौक से लगाते हैं भाई। एक कौन सा पेड़ है भाई, पहचान रहे कोई पहचाने तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए यार, आप लोग को प्यार और सपोर्ट के वजह से हम सऊदी अरब में जो टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ भाई, और आप लोग को दिखाऊँगा। और किसी भी भाई को सऊदी अरब आना है तो मुझे कमेंट करे, और मैं उसको ज़रूर वीज़ा दूँगा। लेकिन भाई वीज़ा मैं खाली इस तरह का, जैसे भाई काम कर रहे हैं इस तरह का, बकरियों का और खेती का, जो मजरा बोलते हैं यहाँ पे, तो सब्जी उगाने का, खजूर का पेड़ बैठ रहता है, तो मैं वीज़ा भी देता हूँ। अगर किसी भी भाई को आना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा भाई। देख रहे हो मुर्गियाँ, ये देसी मुर्गियाँ हैं भाई, इस तरह बोलते हैं भाई, इसे इस तरह बोलते हैं। लेकिन बकरियाँ ज़रूर रहेंगी भाई, इस तरह के काम में आओगे ना बकरियाँ ज़रूर, दो ही चार रहेंगी ज़रूर, तो इसीलिए भाई इस तरह का काम बोलते हैं, और काम ज़रूर रहता है, काम बिना बैठा के कोई पगार नहीं देना चाहता है। तो भाई देख लो उनके भाई के जंगल वंगल लग चुका है। हमारे अमीन भाई हैं, अगले महीने घर जाने वाले हैं।
तो इनका हम बकरियां खरीदने आए हुए हैं, इनका बकरियां हम खरीदने आए हैं। बना लिया, बस आमिन भाई से सवाल करेंगे कुछ। आप घर कब जा रहे हो? घर में जो है अक्टूबर की 15 तारीख को जाने का मेरा पूरा इरादा है, कपिल से कह दिया हूँ टिकट के लिए। अब देखो इंशाल्लाह 15 तारीख का टिकट। कितने साल बाद जा रहे हो? मैं 3.5 साल में जा रहा हूँ भैया। 3.5 साल में जा रहे हैं भाई, बताओ। लाइफ का सबसे लंबा सफर मेरा ये हो गया, थोड़ा परेशानी की वजह से। हाँ, परेशानी तो सबको है। परेशानी थी, फिर दूसरे घर पे शादी है, इसकी वजह से रुकना पड़ गया, नहीं तो इतना टाइम कहाँ रुकते। परेशानी की वजह से रुकना पड़ता है आदमी, क्या। हाँ हाँ, ये तो बात है यार। हमारे अमीन भाई देखो अगले महीने जा रहे हैं घर, 3.5 साल बाद। क्या करें भाई। भाई जो नए लोग आने वाले हैं उनके उनके लिए क्या जवाब दोगे, क्या बताना चाहते हैं? हम यही कहेंगे भैया पहले पूरे अच्छे से जानकारी करके तब आओ यहाँ सऊदी के अंदर। क्योंकि एजेंट लोग फंसा देते हैं, एजेंट फंसा रहे हैं और धोखेबाजी चल रही है ज्यादा। वीजा तुम्हें किसी काम की बता के देंगे और काम जो तुम्हें जो कुछ और मिलेगा, कुछ और का मिलेगा, मजरे का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, यानी कि परेशानी ज्यादा बताएंगे। तनख्वाह 1500 तो यहाँ मिलेगी, 1000 रियाल उसी में खाना खर्चा सारा कुछ तुम्हारा रहेगा। काम इस तरह का बोल के बुलाते हैं, लेकिन बकरियां जरूर रहेंगी। हाँ, अभी देखो मैं इस तरह में काम करता हूँ, ये बकरी भी मेरे पास है, मुर्गी भी मेरे पास है। अभी इतना बड़ा इस तरह है, ये कम 2 बीघे का, इसमें सारा अकेले पानी चलाना, देखना, सारा काम करना 24